14 अगस्त आज़ादी का दिन, जो पिछले 75 साल से हम सिर्फ दिन मनाते हैं, और उसकी जो असल लू है कि आज़ादी मिली थी किस लिए मिली थी, कि यहाँ पर इंसाफ होगा, यहाँ पर जमहूरियत होगी, यहाँ पर इस्लाम की सही रूह के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा, कोई एक चीज़ भी नहीं है। तो यह है हमारी आज़ादी। कोई एक लीडर बता दे मुझे 75 साल में आया हो जिसने कौम की तरबियत की हो कि कौन सी चीज़ आपने नहीं करनी है। हमारे तो सब लीडर भी वो सब करते हैं जो हम कर रहे हैं, तो मजमूई तौर पे तो हम एक भीड़ है। और आज़ादी सिर्फ झंडे लेकर रैली निकालने से नहीं बनती, या अखबारों में मुबारकबाद देने से नहीं बनती, बल्कि अंदर से पैदा करें एक रियल जो आज़ादी है। रियल आज़ादी सियासी नहीं जो यहाँ चल रही है, रियल आज़ादी वो है जो उसकी रूह के मुताबिक जब पाकिस्तान बना था, जिस रूप में बना था, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए। चाहे मैं हूँ या आप हों, सब उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना पाकिस्तान तनज़ुल की तरफ जाएगा। क्योंकि जब आवाम ऐसे होंगे तो फिर हुक्मरान भी ऐसे ही होंगे, हुक्मरान ऐसे होंगे तो आवाम भी ऐसे ही होंगे। तो नतीजा ये कि रोज़ बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। हेरल्ड थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।